रहमान रहीम मालिक यौम الدين इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन सिरातल लज़ीन अन'अमत अलैहिम मौज़ू बेरहम सवारी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलवात पढ़ना अजीम इबादत है। इबादत समी के सारे हजरात बुलंद आवाज नारे तकबीर नारायण सालत नारायण हैदरी हथ बुलंद करके नारायण हैदरी इमाम जमाना रहे सलातो सलाम ते जब जहूर वास्ते बुलंद सलवात। अगर तकलीफ ना समझो तो थोड़े जे इत्थे अगे आ जाओ मजलिस दा माहौल आ जाओ सारे आ जाओ मेहरबानी आ जाओ इत्थे सामने बहुत मेहरबानी सलवात पढ़ो सरकार दी जात है। तारफ करा केड़े केड़े
तो साबिर कायनात दे विच एक आबिद एक शबीर साबिर की मैन एक भेण दे सामने कतल थे तुझा फैन दे नाल असी बिस्मिल्लाह लख वारी आखा मकसद रोवण नाल तो साबिर हिरन कायनात दे विच एक आबिद एक शबीर एक भैन दे सामने कतल थे तुझा भैन दे नाल असीर लफ सुनना है एक साबिर दी पेशानी चूं रहिए भैन छिकेंदी तीरे आखरी लफ्ज़ है दूजा भैन द मैयत उठा के पूछ दे किथे दफन करा एक साबिर दी पेशानी चूं रहिए भैन छिकेंदी तीरे दूजा भैन दा मैयत उठा के पूछ दे किथे दफन करा ए सबर सुनर इजाजत होवे ते ना दुआ हस्तियां दी गुरबत ही सुनावां ओ गरी जी बिस्मिल्लाह मैं लख भरिया दो साबिर हिरन कायनात दे विच एक आबिद एक शबीर एक भैन दे सामने कतल थे तुझा भैन दे नाल असी एक साबिर दी पेशानी चूं रहिए भैन छिकेंदी धीरे तुझा भैन दा मैयत उठा के पूछ दे किथे दफन करां बिस्मिल्लाह गुजारिश कीती है दुआ हस्तियां दी गुरबत लफ्ज प्यादा ओ हुसैन करीब सदेंद हर हर कोई सदें दर्जा ओ गरीब हुसैन सदें दर हर कोई दर असल गरीब सजाद लवजा ओ जेड़ा पानी बदल खून रोना कर भैन दे सदमे केड़े सदमे जेड़ी वल वल पुछया कैद साड़ी दी करदा थी सी खत्म मैं आदे बीबी पुछदी क्यों आई रो रो के आई मैं भैन जो हां तोड़े एक बारी ते कुंडे खेना आला
मालिक थोड़ी इबादत अपनी बारगाह मंजूर और कबूल फरमा। सादात दे सफे अजाब मालिक अपनी बारगाह मंजूर और कबूल फरमा। मालिक बख्त इकबाल रिज़्क़ विच मजीद इजाफा फरमा। सादात दे जितने मरहूमीन इस दुनिया टुर गए मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमा। मालिक तमाम अजादारा दे हाजात पूरे फरमा। मालिक परेशानियां दूर फरमावे। जड़े बीमार हैं बीमार है करबला तो सदका मालिक शिफाए कामला अता फरमावे। जड़े औलाद वास्ते सिकदे हैं शहजादा अली असर दी अम्मा दी झोली उजड़न तो सदका मालिक उन्हां दीआं झोलियां आबाद फरमावे। मालिक साढ़े परदे वाले वारिस ते जल ज़हूर फरमावे। साढ़े गुलामां फरमावे। साढ़े जो कुवत पावे दी बारवे दी कदम रोसी कर लवीए ज़ियारत कर लवीए। जिथे जिथे मेरे आका हुसैन दे आज़ादार बसदे मालिक उन्हां दा आप तहफ़ुज़ फरमावे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तहफ़ुज़ फरमावे। और अखी साफ करके सलावात पढ़ो सरदार दे नहीं जने सारे पढ़ो सलावात। अपने आप को थोड़ा नहीं समझना। बिस्मिल्लाह मैं इन नौकरी दे सा जिमें हजारा के मजमे बिस्मिल्लाह ते तुसा अपने आप को भी इंजे समझ के सुनने क्यों यो जिक्र जिथे अंबिया भी आके शरीक हो तमाम मासूमीन शरीक होते फरिश्ते भी आके शरीक होते। इजाजत होवे तो इसे मजलस का जिक्र सुनावा चाह। ये मजले से शब्बीर है जन्नत से हसी है। ये मजले से शब्बीर है जन्नत से हसी है जो अश्क में लज्जत है वो कौसर में नहीं है। बिस्मिल्लाह जो अश्क में लज्जत है वो कौसर में नहीं है। ये ऐसी इबादत है आजादारी ये शब्बीर इस वक्त तो दारैन का सुल्तान यही है। सलामत रहो हमेशा आबाद रहो। सलावत पढ़ो मेरे आका हुसैन दी जात। शान ए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दी रुबाई सुनाउणा चाहुंदा। समझदार मजमा अजीम मजमा पहले लफ्ज़ उत्ते पूरी तवज्जो चाहना। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। बिस्मिल्लाह मकसद पूरा हो गया। नबी मोहलत मंगते रहे मौत तो पनाह मंगते रहे ते मैं गुजारिश कर रहा जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। जिस शाह की लाहत लूहू बनाए वो अली है। जिस शाकिला हर नूहू बनाए वो अली है। ये शेर की नुदरत नहीं तारीखी हकीकत जो अपने जनाजे में भी आए वो अली है। हमेशा वसे रहो। इस मौजूद में जरा आप लोग कसीदा सुहागना चाहना। एक रुबाई उस मौजूद थे लखा हाजी साहबान लखा रुपया खर्च करके हर साल हज बैतुल्ला की शहादत हासिल करें। जेडे घर आए उन्होंने मौला नसीब फरमावे। जेडे नहीं गए मौला जल्दी बुलावे। उत्थे बन के हाजी साहबान हज के अरकान अदा करें सजदे दें बोसे दें जिमें जिमें हुक्म है। जिथे दौड़न का हुक्म है उत्थे दौड़ते पूरी तवज्जो चाहना। जिहड़ी गल मैं सुनावना चाहना जिस वेले हाजी साहबान तवाफ शुरू करें ना उस वेले काबा हाजिया नाले गल करें जी मैं जरा गुरु भाई सुनावना चाहना। हाजिया मुखातिब करके काबा आदा क्या है पहले अली के बोझ से दिल अपना साफ कर। बिस्मिल्लाह तो समझते रहो पहले अली के बोझ से दिल अपना साफ कर फिर अपने इस गुनाह का तू एतराफ कर।
मेरे कोल पहुंच के एतराफ कर, मैं तेरा गवाह बड़ा फिरोसी क्या, पहले अली के बोल से दिल अपना साफ कर, फिर अपने इस गुनाह का तू एतराफ कर, हो जाएगा कबूल तेरा हज। मगर ये सुन, पहले अली का नाम ले और फिर तवाफ कर। सलामत रहो। अबे शाबाद रख सलवार पढ़ो मेरे आका दीदा। दिल प्यादे एक रुबाई होर सुनवा के से मौजू ते मैं जरा बोलो सीधा सुनवा। काबा हरम है जाए पना है, काबा हरम है जाए पना है, जहाने हैदर है, खुदा का घर भी यकीनन मकाने हैदर है। हुण तक मैं तवज्जो दी दावत देंदा रहा, इस रुवाई दे चौथे फिक्रे ते मैं तवज्जो दी दावत नहीं देवणी। मैं वेखणा चाहना हथ केड़ा जिहड़ा जिक्र दी ताई विच बुलंद रही आउंदा, ओ जुबान केड़ी है जिहड़ी जिक्र दी ताई विच बुलंदी नहीं। काबा हरम है चाहे पना है, जहाने हैदर है, खुदा का घर भी यकीनन मकाने हैदर है, जिसे लकीर समझ कर छुपाए फिरते हो, ये कायनात में पहला निशाने है दरदा। सलामत रहो। सोनी जी सरवाद पढ़ो तो मैं कसीदा सुना। नहीं नहीं कसीदे वाली सरवाद नहीं, सारे पढ़ो सरवाद। कदी दिन हर के
مکمل نہ ہوندا جے دین چ علی نے ولایت نہ اچھا پڑھو بھائی پھر پڑھو لمخلوق کعبے نو سجدے کرے دے جے کعبے چ علی دے ولادت نہ ہوندی جے کعبے چ علی دے ولادت نہ ہوندی دین ہر گرد مکمل نہ ہوندا جے دین چ علی دے ولایت نہ بسم اللہ زندہ و سلامت رہو کائنات کی مدد شیر سوامنا تانا جڑلے حاجی صاحبان واپس آ بسم اللہ جتا آنا ہے میرے مولا علی اتا کرد ملے تو ریار نبی اتا کرد ملے تو ریار نبی آخر لا مکان دا مکی جے نیا دا اٹھا کے بشر دی عبادت نو یا علی یا حکم سادات دا بزرگاں دی یاد قصیدہ اے سارے دا پروگرام موضوع ہیو تے میں بزرگاں دی یاد دی قصیدہ جناب نو سنائیں لگا پیاں نہیں کوئی سالی علی مرتضی دا نہیں کوئی سالی علی مرتضی دا نہیں کوئی سالی پوری توجہ ہاں قصیدہ نبی نے پھرا دا یا علی یا بسم اللہ کائنات دی قیمت دا شیر سوامنا چاہنا تیرا رجب دا دن جا چڑیا بت خانہ ہا قبلہ بنیا پوری توجہ کیویں بنیا جدا ماں علی دے حرم وچ آئی بسم اللہ بسم اللہ خیال میرے پاس ہے جدا ماں علی عالم دی کرے دا ایتا رب جھکائے ایتا رب جھکائے بڑا محترم ہو گیا گھر خدا دا پوری توجہ کی میں ہوئے محترم ہو گیا گھر خدا دا سال کا بسم اللہ اس سے ہو ہمیشہ آباد رہو صلوات پڑھو میرے آقا دی جا اے حکم پورا ہو گیا ایک شعر میں اپنی مرضی نال ہور سناونا چاہتا
تے اس موجود تے سوامنا چاہنا مان مان تجھے بھوگل جلاتا ہوگا بسم اللہ یا علی مان مان تجھے بھوگل جلاتا ہوگا مان مان تجھے بھوگل جلاتا ہوگا بسم اللہ ہو سکتا ہے کہیں دین جو بے کیڑے ویلے بھوگل جلائیں دو سی کہیں نو بھوگل جلائیں دو سی میں وقت ہی دسنا چاہنا مہینہ ہی دسنا چاہنا پوری توجہ عبادت کر لویے کہڑے ویلے بھوک جلن دو سی مان نہ مان تجھے بھول جلاتا ہوگا مان نہ مان تجھے بھول جلاتا ہوگا چاند جب رجا بھگا چہرے کو دکھاتا دروازہ جتھے لوگ آ کے منگتے آئیں تے بے حساب ملتا کہندا دروازہ جناب عمران علیہ السلام دا دروازہ مرد آ کے سرکار دے کولو منگتے آئیں عورت آ کے جناب فاطمہ بنت اسد دے کولو منگدی آئیں بے حساب ملتا میں شیر سوامنا چاہنا تیرا رجب دی صبح عبادت تو فارغ ہو کے علی پاک دی پاک اما جڑے ویلے کعبے دی طرف ٹری ہے جڑیاں عورتاں منگن واسطے آئیاں کھلیاں ہاتھ جوڑ کے آدیاں بی بی کدے پے ویندے ہو ساڈا کیا بن سی اساں تواڈے کولوں منگ کے کھاندے ہاں بسم اللہ کھاندی پوری کائنات انہاں دے صدقے ہوئی ہے کوئی منے نہ منے اساں تواڈے کولوں منگ کے کھانے ہاں کدے پے ویندے ہو دوسرا سوال کیتا نے بی بی اتنا جلدی تہانوں ٹردا کدی ویکھیا نہیں بسم اللہ دو سوالاں دے جواب علی پاک دی پاک اماں نے جڑے دتے میں جناب نو شیر سوامنا چاہنا میں اٹھائے ہوئے دل ہے تیس قدم جاتی ہاں پوری توجہ کی ملا میں اٹھائے ہوئے جلدی سے قدم جاتے ہو اس لیے آج سنا سوئے حرم جاتی ہو کیوں میرا حیدر مجھے کعبے میں بلاتا ہوگا ہمیشہ آباد رہو مالک اس تڑے نو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے اے ذکر ہمیشہ جاری رہے اے ذکر ہمیشہ نصیب رہے یو غم نصیب رہے شام دیاں قیدہ نبھا کے بسم اللہ میں گزارش کیتی ہے شام دیاں قیدہ نبھا کے بچے ہویا پور لے کے جڑا شام وچ بچ گیا بسم اللہ جڑ ویلے میرا رت رومن والا آقا پہنچے نا اکبر دی جاگیر بسم اللہ جابر نے ڈٹھیاں سواریاں قریب آ کے آدھے مہاری اٹھن نو روک اے سہرا نہیں رہ گیا اے مولا بن گیا اتھے پاک تے طاہر خون شامل ہو گیا لفظ اے رومن دا آدھے اگر پردہ دار ٹر سکدے نہیں تا لہا چھوڑ اگر ٹر سکدے نہیں تا لہا چھوڑ اگر ٹر نہیں سکتے ولا مار کے گزر وانج اتھے پیدل ٹرن دا ہوگا بسم اللہ محمل چکو کا یہ سجاد پوچھتے سے ہی کہہ لو بسم اللہ
मेरे आका फरमाते हैं जाबिर ना चाह तेरे सरदार का नाम क्या है, अदे बिस्मिल्लाह मेरे सरदार का नाम है अब्बास। महमल चकू का ये सजाद वत पुछ पैदा हो सुने नू केडे सोने रंग नाल मेरे गाजी वीर का नाम चाया सी। बीबी रो के आदी मैं वीर का नाम सुनने वास्ते सिकदी रही। बिस्मिल्लाह नौ बारी मेरे आका ने पूछे ते जाबिर ने दसे, नौवी बारी हथ जोड़ के दे महारी मेरे सरदार का नाम अब्बास है, मगर अल्लाह के नाम से एक गल तू भी दसा। मेरे आका फरमाते हैं पूछ क्या पूछता है, अदे होर कुछ नहीं पूछता, इो कुछ पूछता जेड़ी बीबी तेन आती है तू पूछो मेरे को क्यों नहीं पूछता। रत वद पई है, रत रो के फरमाते हैं खामोश रहो ये कोई गैरा नाल बोले। बिस्मिल्लाह खामोश रहो ये कोई गैरा नाल बोले अला जाने इस शराबी के दरबार किवें बोलना पे। इो लफ समझो तो मैं बैठ सुनावा हाथ जोड़ के आदे आलिया पुप्पी मेरे चाचे का हुक्म है। बीबी आदि इस आप छोड़ तेरा अब्बास ही अब्बास है, मगर मैं भी ज़ैनब मैं नह लहदी सजादा दिन जीवें तुहाडा हुक्म है मैं इं आखसा, मगर मैं तो दसो क्यों नहीं लहदे। बीबी आदि इमाम इंसाफ कर बाजारा ची टुरा मैं दरबार च निर्वार ही देवा मैं अज अकबर की जागीर च टुरा मैं। बिस्मिल्लाह मेरे आका फरमाते हैं जाबिर तेरे सरदार का हुक्म असा मनिया, मगर जिहड़ी परदादार मजदूर है अपनी मर्जी आदि ये आदि है मैं ना लांदी तुसा मर्जी नाल लफ सुने, मगर जाबिर जमीन ते टकरा मारी हैं टकरा मार के दे महारी जल्दी दस क्या है अली दी थी ज़ैनब। बिस्मिल्लाह कायनात च होर तो कोई नहीं जड़ा आखे मैं अब्बास दा हुक्म नहीं मन। बिस्मिल्लाह जब जाबिर की कलाम नरमी आई है ना उस वे आलिया सहन अगे सजाद बहा महमल मैं लहदी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सजादा दिन हुणे तां आख्या ने नह लांदी बीबी अजी इस वास्ते लानी आ मैं चाहनी आ कयामत तक मेरे वाली दे हुक्म चलदे रहो, अगर अज मैं न मन्ना होर कौन मने सी। बिस्मिल्लाह ए इसे बीबी दी मेहनत है जेड़े अज दूर दूर तो लोग पैदल चल के गरीब का चेहला बन गए। बिस्मिल्लाह बह गए महमल लह पे परदादार फुफियां मावां भेणा नू लेके गैरत दा सुल्तान वफा दे सुल्तान दी मजार ते आ। बिस्मिल्लाह दोए हथ रखे चाचे दी मजार ते मेरे आका ने एक सद मारे जे समझ आ गई तो मुकान हो वैसी सद मार के आ देना आप कब्र को बाहर एक लहजा मैं डी खिते गिना नुकसान दस केड़ी ज़ैनब मैं गाफल बेच उठी भैन दी कर पहचान। बिस्मिल्लाह करा मैं लख वारी आखा मकसद रोवण नाल मेरे आका रात रो क्या देना आप कब्र तू बाहर एक लहदा मैं देख ते गिना नुकसान दस केड़ी ज़ैनब मैं काफ़िल बिच उठी भैन दी कर लफ सुन ओ गिन टेक आसे दी आती पई तेरी कब्र ते बड़ा महमान ओ
इन्ने भेड़ी आदिया वीरा दो दस गैरत दो सुल्तान सोना इस्तकबाल की तरह वफा दे सुल्तान दी मजार हलग हले आवाज आंदे सजाद वल्लाय कैदा निभाए हाल सुना किवें निभदी रही रात रो क्या दिन चाचा बाजू कलम करा के सम वजना सौखा है फुफियां ते भेड़ी नाल शाम वजना औख ए सुन के बर्दाश्त न करे से गाजिया दे नई सजा जरूर सुना उसले मेरा का चाचे दी मजार ते झण पे रो क्या दिन जे सुन दे ता कर बल तू खिल के शाम ताई वो कत्ल मछीदारे जयपुर का लुटिया आमा मैदा आंदे नाल बुलेंदा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ओ जयपुर का लुटिया आमा मैदा ओ जयपुर का लुटिया मकला फुफिया भेड़ी को बाजार फिर दो मैडा हौसला वेखो तू फजल दबा मैं वक्त भी जी एक लफ्ज था इसे लम्द मैं होर सुना मगर यकीन रखना सारे आजादार मातम कर ले से जिड़ वेले आलिया सैनाई है फिरा दी मजार दे हाल बैठी दे दी है शाम दे अचानक सैया दे शहदा दी मजार हल गई हौले हौले आवाज आने भेण जदा शाम गई है गल या समझ आ गई तो मुकान हो ऐसी जदा शाम गई है जदा मकतले तू गुजरी है तेरे कोल मेरी एक अमानत आई बिस्मिल्लाह बीबी हाथ जोड़ के आदिए नाराज न होवे रस्सिया नाल दफनाया मैले जोल नाल दफनाया एक जवाब देवन दे बाद बीबी आदिए वीर अगर इजाजत होवे तो मैं भी कुछ पूछ ले मेरे आका फरमाए दिल आलमा करे बोल मैं पूछ क्यों पूछती है बीबी आदिए इयो कुछ पूछना चाहनिया सजियो कौन सुतो है बिस्मिल्लाह मैं पढ़ गया मैं साहब मेरे आका दी आवाज आंदी है जैनू 18 साल पुरकियां च पले दी रही है अकबर बीबी आदिए खबियो कौन सुतो है मेरे आका फरमाए 6 माह दलाल असगर ए लफने बीबी फिरा दी मजार ते झड़ पई है मातम कर के आती है काई खबर हो दी वो मैडे पुत्रा दी वो मैं तो दस जावे रुकियो रे क्यों है ओ शहर तने विचो दफन थे आया शहर तने तो ए मदसामी